हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोटिवेशन लाइव से आरके, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मशीन के जो कि बैकग्राउंड ये काला आ रहा है या डार्क आ रहा है, जबकि ओरिजिनल में बिल्कुल साफ है, अच्छा है, फिर भी बैकग्राउंड काला आ रहा है। तो ये किस कारण से आता है? ज़्यादातर ये सेटिंग गड़बड़ करने से हो जाता है, या आप किसी HP बढ़ा देते हैं या डेवलप को बढ़ाते घटाते हैं, इससे उसके एडजस्ट सही नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे, उसके जो एडजस्ट मोड है उसमें जा करके सेटिंग में जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन, इसके बाद CCD पे आप क्लिक करेंगे या टच करेंगे, ये दिखाई दे रहा है CCD ADJ, इस पर आप टच करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे, नीचे ओके पे, और इसके बाद अपने आप स्कैनर में आप ब्लैंक पेपर लगाएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड ज़ीरो हो जाएगा, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर आएगा। आप टेस्ट प्रिंट है, उसके बाद रीस्टार्ट मशीन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये एक्टिव चल रहा है इस समय, तो स्कैनर ऑन होगा, उसमें लाइट जलेगी और आपके स्कैनर में जो शीशा है उसके ऊपर आप पेपर ज़रूर लगा लें ब्लैंक, उसके बाद ये ओके लिखी आ जाएगी, और ओके के बाद आप यहाँ से डन कर देंगे और बैक में जाएंगे इसके। हाँ, इसके बाद आप चाहो तो रीस्टार्ट कर सकते हैं आप मशीन को। रीस्टार्ट होने के बाद ओके हो जाएगी, उसके बाद आप चाहो तो प्रिंट निकाल सकते हो। ये मशीन ऑन हो रही है। स्टार्ट होने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और अपनी कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी देते रहें कि मेरा वीडियो कैसा अच्छा लगा, या मुझे किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी कमेंट भी करते रहें, ताकि मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको दे सकूँ प्रेजेंटेशन। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।